झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। दरअसल जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रघुवर दास अपनी बीजेपी उम्मीदवार बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्णिमा दास भी जमशेदपुर पूर्व से ही बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी हैं और कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार को चुनौती दे रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए पाए गए और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सामग्री वितरित करते हुए पाए गए। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा जाएगा। ओडिशा के राज्यपाल जो है अब बूथ कप्तान से बात करने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। ओडिशा में लोग तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है और रघुवर दास जी जो पैसे बांटने हैं अपने बहू के चुनाव के लिए, अगर कल SPDC पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बटेगा बताएगी तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो रघुवर दास ने सब पूरे देश को बदनाम कर दिया है। हमारा इतना शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा दे के लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार तार कर दिया है। राज्यपाल होके हमेशा कहता हूं अगर देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। अब ये राज्यपाल होके जो काला स्कॉर्पियो में छुप करके जो मीटिंग कर रहा है, अभी बताओ ना कि क्या लिखा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को लिखा है कि एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक ऊंचे राजनीतिक